लौकी हम कई रूप में खाते हैं, कभी सब्जी, कभी हलवा, कभी खीर, कई तरीके से खाते हैं। तो चलिए आज हम इसका पराठा बनाते हैं, देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं और इसमें क्या क्या लगता है। इसके लिए हमें चाहिए आटा, धनिया पत्ता, प्याज, लौकी ग्रेट कर लिया है, अजवाइन, नमक, हरी मिर्च बारीक कटा हुआ। अब हम डो तैयार करेंगे, उसमें डालेंगे धनिया पत्ता, प्याज, लौकी, अजवाइन, नमक, मिर्ची। इसे डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक डो बनाएंगे। लौकी में बहुत पानी होता है, इसलिए हम थोड़ा आटा उसी के अनुसार लेंगे। बहुत पानी होता है तो वो गीला हो जाता है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे अगर ज़रूरत हो तो। मुझे ज़रूरत है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, आपको अगर ज़रूरत ना फील हो तो ना डालें, क्योंकि कुछ देर रखने के बाद आटा थोड़ा गीला हो जाता है। डो तैयार हो चुका है, अब हम इसका पराठा बनाएंगे। एक पोर्शन लेंगे, इसको गोल गोल करेंगे और इसे सूखे आटे में डालकर हम बेलेंगे। पहले हम ड्राई आटा सरफेस पे डाल लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा गोल नहीं बनता है, जैसे मूली का पराठा बनता है वैसे ही बनता है ये। अब ये हमने बेल लिया, अब हम इसे तवा पे सेकेंगे। तवा गर्म हो चुका है, अब हम इसको इस पे डालेंगे और सेकेंगे। एक तरफ से हम सेक उलट पुलट कर देखते हैं, एक तरफ से तो पक गया है, सिक गया है वो। अब हम घी लगा देंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। एक तरफ से हमारा पराठा बिल्कुल सिक चुका है, इसे लो फ्लेम में पकाने से अच्छा पकता है, क्योंकि लौकी कच्चा है, हमने ग्रेट करके डाला है, उसे बॉयल नहीं किया है, तो थोड़ा सा लो फ्लेम पे पकाना चाहिए। अब हम इसे पलट देंगे, दूसरी तरफ भी हो चुका है। इसे हम चटनी के साथ भी खा सकते हैं, अचार के साथ भी खा सकते हैं और किसी भी तरह के सब्जी के साथ खा सकते हैं। ये हो गया, अब हम इसे सर्व करते हैं। लौकी का गर्मा गर्म पराठा रेडी है, इसे भी आप अपने घरों में बनाइए और इसके टेस्ट को एंजॉय कीजिए।